बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश ने अपना रत्न खो दिया। देश को ऐसे रत्न बार बार नहीं मिलते हैं। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि वो देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। दुख का दिन है कि हमारे बीच में देश की कोकिला लता दीदी नहीं रही। कई बार मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और पूरा देश उनको बहुत चाहता, लेकिन हमें वो अलविदा कह के गई हैं। लेकिन उनकी गाए हुए गीत इस देश को मजबूती देते रहेंगे। उन्होंने गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों आंख में भर लो पानी। आज सच में पूरे देश की आंखों में पानी है, क्योंकि लता दी हमारे बीच में नहीं है। तो लता दीदी को हम लोग कभी भूल नहीं सकते। ये देश भूलेगा नहीं। भारत ने आज अपना भारत रत्न खोया है और ये बहुत दुख है, लेकिन उन्होंने जो उच्च आदर्श जीवन जिया वो सबके लिए प्रेरणा देती रहेंगी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन के बाद से ही देश भर में शोक की लहर है। सभी लोग अपने अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि यह पूरे देश के लिए काफी दुख की घड़ी है। भारत ने आज अपने रत्न को खो दिया। उनकी कमी जो है देश में, कमी जो है छलकेगी। और इतनी बड़ी गायिका रही और कल ही सरस्वती माता का पूजा रहा और आज आम लोगों के बीच नहीं है, खबर आ रहा है। हम अपने पार्टी की ओर से संवेदना प्रकट करते हैं। और ऐसी हस्तियां जो हैं सदियों सदियों में जो है आया करती हैं और उनके गाने, चाहे कोई भी जनरेशन रहा हो, पुराने हो, नए हो, हम जैसे हो, सभी जनरेशन जो हैं उनके गाने को सुनना करते थे।